को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा और कुरुक्षेत्र में बीइंग आइकॉनिक प्लेस जो पूरे देश में 75 स्थानों का चयन हुआ है उसमें ब्रह्म सरोवर पर इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया जाएगा जिसके अंदर 5000 से भी अधिक लोगों के भाग लेने को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री रहेंगे और उसके साथ साथ जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आज मीटिंग की गई थी और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और डिफरेंट ड्यूटीज लगाई गई हैं उसके लिए कमेटियों का भी गठन पहले कर दिया गया था तो आज उसकी एक रिव्यू बैठक की गई थी। आज कुरुक्षेत्र के आइकॉनिक साइट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे आयोजित हो उसकी पूरी रूपरेखा उसकी कार्य योजना को अंतिम रूप माननीय मुकुल जी के साथ आदरणीय उपायुक्त महोदय के साथ बैठकर हम सब लोगों ने दिया। भारतीय योग संस्थान, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान अनेक संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं। योग संस्थाओं का जहां योगदान रहेगा वहां इंडस्ट्री, पीएसयूज, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सबका योगदान आयुष विभाग को मिल रहा है। आयुष विभाग और जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को अति उत्तम तरीके से करने जा रहा है और इसके लिए एक रिहर्सल का कार्यक्रम 20 तारीख को आयोजित होगा। रिहर्सल 6 से लेकर 7 बजे तक आयोजित होगी। उससे पहले एक मैराथन का कार्यक्रम 6 बजे से ही आरंभ होगा स्टेडियम से, जो जाकर ब्रह्म सरोवर जाके ये मैराथन संपन्न होगी। 21 तारीख को ये कार्यक्रम सुबह 6 से लेकर 7:45 तक चलेगा और उसके बाद 11 से लेकर 12:30 बजे तक यही लघु सचिवालय जहां माननीय उपायुक्त महोदय बैठते हैं वहां पर एक योग के ऊपर कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसका थीम होगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कुरुक्षेत्र की जनता धर्मपरायण जनता है और ये योग भूमि है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। यहां से जो संदेश जाएगा पूरा विश्व उसको सुनेगा। आइए इस कार्यक्रम में सहभागी बने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ योग करने का संकल्प लें। 1,370,000 और हमारे टोटल कोर्स होंगे 6,94,48, मोबाइल टीम 55 और टोटल वैक्सीनेटर 2,088, सुपरवाइजर 101 और काफी सारे डिटेल में जो प्रमुख था सर हमारी संडे मंडे 19 कमेटी बनाइए। इसका यही उद्देश्य है कि आप कमेटी लेवल पे